लेकिन जितना डरोगे उतना ये विचार डराएगा, जितना आप इस खतरे से डरोगे उतना ये विचार बार बार आएगा, रिपीटेड आएगा और फंस ही जाएगा। ठीक है, जितना आप सी को बढ़ाओगे उससे बी बढ़ जाएगा, बी को जितना बढ़ाओगे उतना ए बढ़ जाएगा। अब अकेले में आता है, फिर घर में भी आने लग जाएगा, फिर अकेले का विचार आते ही होने लग जाएगा, तो ये ट्रिगर बढ़ते ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप चलोगे तो और ज्यादा फंसते जाओगे, और ज्यादा बीमार होते जाओगे। तो ये दिशा ही गलत थी, ये समझा। अकेले हूँ चाहे भीड़ में हूँ, लेकिन मेरे को खतरा तो रहता ही हमेशा। हाँ, वो खतरा तो रहेगा, फिर आप कहीं घर से भी बाहर नहीं जा पाओगे, फिर किसी के बारे में सोच लिया उसको हार्ट अटैक हो गया तो आप घबरा जाओगे कि मेरे को ना हो जाए। हार्ट अटैक तो होते हैं ना, टीवी पे सुन लोगे फिर फंस जाओगे, कोई रिश्तेदारी में सुन लिया फिर फंस जाओगे ना। हाँ, घबराहट से तो हो जाती है। हाँ, इसके एक और गया, एक और गया, मेरा ही नंबर है, अगला नंबर मेरा, एक विकेट और गया। बस ऐसे सोचने लग जाओगे ना। हाँ, तो ये देखो, ये तो गलत रास्ता पकड़ लिया था, अब सही रास्ता पकड़ते हैं। अभी तक कैसा महसूस कर रहे हो? अभी सही, अभी नॉर्मल ही है बिल्कुल। अब एकदम ओके हो गए? हाँ। कितने परसेंट ठीक हो गए? 90% तो पता नहीं सर, लेकिन आपकी जो बात है ना वो समझ में आ रही है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा है कि शायद इन चीजों से इलाज नहीं हो पाएगा मेरा। अच्छा, इन चीजों से मतलब? हाँ। इतनी सी चीज से। अच्छा, जैसे मतलब जैसे अपन तीन रोटी की भूख अपनी, अपन ने अगर आधी रोटी खाई है एक रोटी खाई है तो उसमें अपन को लगेगा कि अभी तो। अच्छा, तो मान लो तीन रोटी की भूख है तो अभी तक कितनी रोटी मिल गई इसमें? अभी तो सर मैंने आधी खाई है। हाँ, आधी खाई है, आधी भी नहीं खाई। मैंने आधी भी आधी रोटी की कह रहा हूँ मैं। हाँ। अगर चार पांच रोटी खाता हूँ तो मैंने आधी रोटी खाई। आधी तो आ गई। हाँ। बस भी आधी आनी जरूरी है। हाँ। बाकी 3.5-4, 600 बस शुरुआत होना जरूरी है। हाँ। जैसे कोई भी यात्रा होती है चाहे वो 1000 मील लंबी हो, होती तो एक एक कदम से तय है ना, ऐसा है ना, गाड़ी 100 की स्पीड में दौड़ती है, शुरुआत तो उसका जीरो से ही होती है। तो शुरुआत होगी चाहे एक पर आ गई सुई। हाँ। चल तो पड़ी ना, हो गई सर। हाँ। एक पे क्या 10-15? हाँ, 10 पर आ गई तो इसका मतलब गाड़ी चलने लग गई। 10-15-20 जीरो पे होती फिर दिक्कत है ना कि यार स्टार्ट ही नहीं हुई, कोई इंजन में तो खराबी नहीं है या गलत चाबी तो नहीं लगा दी है। स्टार्ट ना हो तो सोचने की बात है। हाँ। स्टार्ट होगी और चल पड़ी। हाँ। तो समस्या नहीं है क्योंकि अब तो फिर रेस पकड़ी जाए, हमारे स्टार्ट होगी। हाँ, तो अगर स्टार्ट ना होती फिर सोचते यार कोई गड़बड़ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो चढ़ाई गाड़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बस यही होता चल तो जरूरी थोड़ी है कि 100 पर अभी चले जाओगे तो बिना इलाज के 100 पर चढ़ जाओगे तो फिर तो अब आप फिर इलाज की तरफ चलते हैं, फिर थोड़ा सा अपन करेंगे और वर्क। तो अभी क्या है कि ये समझ गया कि ये तो तरीका ही गलत था, आपको इतना समझ आ गया कि मैं गलत तरीके पर जा रहा था, अब सही तरीका क्या है उसके ऊपर आते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ हो, आपने दिल्ली जाना है, आप यहाँ पहुंच गए लाहौर में, पाकिस्तान में, तो लाहौर में जाकर के आपको पता लगा कि अरे अरे मैं तो लाहौर में पहुंच गया, दिल्ली जाना था। अच्छा, तो वहां पर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक तो कि वहीं वापस आ जाओ, दिल्ली चले जाओ, एक कि वहीं रोते रहो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, या एक कि गलत दिशा में ही आगे बढ़ते जाओ, चलो चलते रहते हैं कभी तो आएगी दिल्ली, धरती गोल है। हाँ, घूम घूम के आ जाएंगे। हाँ। तो अब बताओ समझदार इंसान इनमें से कौन सा तरीका अपनाता है? बैक होगा सर। हाँ, बैक होगा, तो आपको भी अब बैक होना पड़ेगा। बैक होना, गलत दिशा में चले गए अब बैक आना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स आना है। तो रिवर्स आने के लिए कितना आप गलत दिशा में चले गए, कितना रिवर्स आना है वो भी तो पता हो ना। हाँ, अभी कितना रिवर्स आना है तो उसको पहले जांच लेते हैं। अब उस ये पैनिक अटैक ठीक करने के 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं। एक तो है जो ये ऑब्सेशनल चॉइस बोलते हैं, जो ये विचार आया वैसा ही करते रहना, अर्थात ये उससे क्या है कि आपका ये डर है, ये खतरा, ये और बढ़ता रहेगा, ठीक, सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। हाँ। दूसरा है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, आप कुछ ना करो, जो विचार आते हैं उसका कुछ भी नहीं कर रहे,
रोते रहते हो बस कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मैं तो बीमार हूँ, इससे क्या है कि आपके जीवन में रोना ही बचेगा, एक दोष ही बचेगा, गिल्टी बचेगा। और एक तीसरा तरीका है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, वो क्या है कि जो ये ऑब्सेशन आता है, विचार आता है, इसका उल्टा करना, सारा काम उल्टा करना, उससे क्या है कि आप ठीक हो जाओगे। तो आप कौन सा तरीका अपनाते हो? मतलब उल्टा कैसे? सारा काम उल्टा, जैसे अकेले में अकेले नहीं जाते तो आप अकेले भी जाओगे, काम पर रोज जाओगे, और ये सारा बंद कर दोगे, और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ा के रखोगे, मरने के साथ ही जियोगे, मतलब सारा काम उल्टा करोगे। तो कौन सा तरीका अपनाना चाहोगे? उल्टा ही करना ठीक रहेगा। चलिए तो ये तरीका भी काट देते हैं, उल्टा करना पड़ेगा। तो अब आपने उल्टा तरीका सुना है, काम उल्टे करने हैं, ये सही करके तो देख लिए, सही करके अब उल्टे करके देख लेते हैं, ठीक है? सही बात। हाँ तो अब उल्टा करोगे तो क्या क्या कर करके फंस गया। हाँ सही करोगे तो फंसोगे, दिमाग ने तो सही कहा था ना, भी अकेले रहोगे तो खतरा कम है, वो अकेले नहीं जाओगे तो खतरा कम है, काम पर नहीं जाओगे तो खतरा कम है, दिमाग तो आपको खतरे से बचा ही रहा था ना, भी इससे भी खतरा कम हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये तरीका अपनाना ही तो बीमारी में फंसाना हो गया। भी जितना इस तरीके को करेंगे उतना फंसते जाएंगे, ठीक है? अब इस तरीके के अलावा आपने दूसरा तरीका अपनाना है, इसके लिए आपने समझना है भी कितना अपने डेटा अंदर भर लिया, दिमाग में कितना कचरा भर लिया। जैसे मोबाइल के अंदर डेटा ज्यादा आप स्टोर कर दें तो मोबाइल हैंग हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ऐसे ही मन की स्पीड स्लो हो जाती है, मन की भी हमारी स्पीड है, जिस दिन आप खुश होते हो तो वो स्पीड फास्ट होती है, उदास होते हो तो स्लो स्पीड होती है, जिस दिन खुश हो तो समय ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता, और जिस दिन दुखी हो तो एक दिन भी महीने बराबर हो जाता है, अर्थात समय की स्पीड स्लो हो गई है, टाइम मन की। तो मन की स्पीड हमारे स्लो होती है डेटा से, जितने मन में विचार ज्यादा होंगे, जितना मन में नेगेटिव भाव होगा उससे स्पीड स्लो होती है, और जितने विचार कम होंगे और जितना पॉजिटिव भाव होगा उतनी स्पीड फास्ट होगी, ठीक है? तो हमारी स्पीड बचपन में फास्ट थी, जब जन्म के साथ आए बच्चों की स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि बच्चों के मन में डाटा ही नहीं होता, उनको कुछ पता ही नहीं होता, बच्चे सब कुछ खा लेते हैं, मस्त रहते हैं, गर्म खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं। सही बात। तो आपके लिए क्या है कि आपने जानकारी जुटा ली, ये बीमारी है, आपने गलत सीख लिया, आपके दिमाग में गलत डाटा आ गया है, गलत कचरा आ गया है। सही है सर, गलत आ गया ना। बिल्कुल। अगर आपके पास ये मोबाइल ना होता, या लोगों ने ना बताया होता, या बचपन से ही आपको जंगल में छोड़ दिया होता, तो क्या बीमार होते कि यहाँ पर कुछ होता है, वीर्य आता है, वो उसको रोक लो? तो आप ऐसी गलतियां कभी नहीं करते ना, अगर डाटा ही ना होता तो। कुदरत ने जो बनाया वो सही बनाया, गर्म ठंडा कुदरत ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। जब कुदरत ने जो बनाया तो कुदरत ने सोच समझ के बनाया, अगर गर्म से इतनी प्रॉब्लम होती तो कुदरत ही क्यों बनाती? वो तो अपनी अपनी जगह सही है सर। हाँ तो इसका मतलब गड़बड़ तो हमारे अंदर है, कुदरत में गड़बड़ नहीं है, बाहर गड़बड़ नहीं है, अंदर ही सिस्टम में गड़बड़ है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही गलत आ गया है, सॉफ्टवेयर गलत डाल दिया। होता है ना, जैसे मोबाइल कई बार हैंग होने लग जाए तो कोई सॉफ्टवेयर गलत आ गया, कोई फाइलें गलत डाल दी हैं। तो इसमें शुरू में जैसे बचपन में माँ बाप डाटा डालते हैं, उसके बाद ये स्कूल डाटा डालते हैं, फिर इसके अंदर डाटा डालते हैं ये धर्म गुरु, अब ये सोशल मीडिया डाटा डालता है, तो यहीं से गलत डाटा आता है। तो घर से बहुत सारी मानसिक परेशानियां घर से ही आती हैं, हमें गलत सिखाया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, लड़कियों को चुप रहना चाहिए, सेक्स गंदा होता है, ये गंदा होता है, वो गंदा होता है, तो ये घर से ही सिखाया जाता है, तो इसी से बीमार होते हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, फिर स्कूल वाले गलत सिखाते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो मर जाओगे, सिर्फ नंबर लेना ही होशियारी की निशानी है, ये वो दौड़ में धकेल देते हैं, उससे हमारे अंदर डिप्रेशन स्ट्रेस आता है, वो गलत डाटा डालते हैं, फिर ये धर्म गुरु कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ऐसे मृत्यु होती है, इन्होंने गलत डाटा डाला, फिर सोशल मीडिया से कि ये हार्ट अटैक से ऐसे बंदा मर जाता है,
ये हो जाता है, फलां धमका, ऐसी बहुत सारी गलत सूचनाएं हमारे दिमाग में डाली गई, इसी से स्पीड स्लो हुई है। फिर क्या है कि ये डाटा इतना अंदर बढ़ जाता है कि ये डाटा ही बीमारी पैदा कर देता है। ये डाटा, क्योंकि बारूद तो अंदर हो गया ना, फिर बाहर से कोई चिंगारी मिली और ब्लास्ट हो गया। अब देखो कि आपको बीमार करने के पीछे वर्षों की प्लानिंग है। एक बच्चे को, बच्चे के अंदर डाटा बचपन से ही भरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको घर से बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे ये बच्चा, ये मेरे साथ ही रहता है, इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आपने इसे बाहर भेजा था, इसके सामने हम बता देते तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने वो सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला कि कोई फर्क पड़े। सही, फालतू का डाटा है ही नहीं ना इसके मन में। सही सर। हाँ, इसके अंदर डाटा डिलीट है, इसके अंदर फाइल है, वो सॉफ्टवेयर इसका वो फाइल उठाए गई, वो भी इसके सरमाए या कुछ हो, क्योंकि ये तो बचपन से आप सिखा देते हैं वैसा ही बच्चा। मतलब उनको ये बताया भाई जो भी है उसका अगले की है। हाँ, अगले की, और नेचुरल चीजें हैं, जैसे मास्टरबेशन है वो नेचुरल है, ये जो संभोग है ये नेचुरल है, ये कुदरत का ही नियम है। अप्पा ने थोड़ी ना बनाया है, वो कुदरत ने बनाया है, अप्पा को ही क्रिएट थोड़ी ना किए। सही बात। हाँ, कुदरत ने किया है तो अप्पा पैदा हुए, अगर अपने माँ बाप के अंदर ये कुदरत ना डालती तो अपने जैसे नमूने भी पैदा ना होते। अप्पा भी तो पैदा हुए हैं, तो ये तो भाई कुदरत का खेल है, तो इस कुदरत के खेल को समझना है, ना कि कुदरत के खेल को गंदा मानना है या गलत मानना है, तो फिर तो सही रहता है ना, बंदा बीमार ही नहीं होता। वरना क्या है कि ये सेक्स को गंदा मानने से क्या कि लाखों लोग बीमार हो जाते हैं। मेरे पास बहुत से लड़के आते हैं जो कहते हैं जी हमने तो गलत आदतें सीख ली, वीरिया गंदा होता है, वो डिप्रेशन में चले गए, कोई सुसाइड करने वाला है, बहुत से आते हैं, सीमन को गंदा मानते हैं, वो सीख सीख के ये धर्मगुरु फिर आगे से ये तो वो और वो पाप और पुण्य। मैं इन धर्मगुरुओं को कहता हूं तुम्हारे माँ बाप ने पाप किया जो सेक्स करके, नहीं तो तुम जैसा है मूर्ख पैदा ना होता। सही बात। हाँ, लेकिन ये मतलब जैसे जो सर ये मतलब छोटेपन में जो हरकत हो जाती है ना मास्टरबेशन की, इसमें फर्क तो पड़ता है सर इसमें? ना ना, फर्क मानसिक पड़ता है, ये तो कुदरत है। देखो कोई भी इसमें परफॉर्मेंस कम हो जाती है? ना ना, परफॉर्मेंस कम होती नहीं है, जो नहीं करते उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, या जो डरते हैं इससे उनकी डर से परफॉर्मेंस कम होती है, क्योंकि इसका और इसका कनेक्शन सीधा विचारों से और सोच से है। भी जैसा सोचेंगे वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा, हमारी सोच से इसका लेना देना है। अगर आपने सोच लिया मेरी परफॉर्मेंस कम है तो कम हो जाएगी। आप तो एकदम ऐसी बात करो सर, बिल्कुल जादू जैसी। जादू जैसी नहीं, सच में मैं बताता हूँ, मैंने तो सर ये बात कभी सुनी नहीं। ये तो गलत है ना, ये माफिया लोग पैसे ठगते हैं दवाइयों के नाम पर, बैद हकीम, वो इसीलिए तो गुप्त गुप्त कह के पैसे कमाते हैं। ये गुप्त रोग नहीं है, तो नॉर्मल से रोग है। कोई भी किसी इंसान के अंदर पावर कम नहीं होती, उसने सोच लिया, उसने दिमाग पे स्ट्रेस डाल लिया तो पावर कम हो जाएगी। आप देखो जब आप डूबते हो उसमें संभोग में तो आनंद आएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर आपके अंदर पहले ही विचार है, डर है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। पहले डर गए कि सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर, एक वीडियो में मैंने देखा था, मतलब भाई एक मतलब वो ये कह रहा था कि भाई मतलब जैसे पता नहीं उसके दिमाग को कैसे हिप्नोटाइज किया, क्या किया, चार साल का बच्चा की तरह उसको कर दिया, और उससे मतलब छोटा सा पत्थर भी नहीं उठाया गया, और फिर उसको जब दोबारा करा गया तो उसने बड़ा सारा उठा लिया। ऐसा आपको भी कर देंगे? मैं तो बच्चों को हिप्नोटाइज करके या बड़ों को उनको गर्म चीज खिला के कहता हूँ ठंडी है, उनको पूरा गर्म पानी पिला दूंगा और कहूंगा ठंडा है, उनको ठंडा लगेगा। उनको मिर्च खिला के कहेंगे कि गाजर है, उनको मीठा स्वाद आएगा। ये तो इसके सामने हम स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं, वीडियो पड़े हैं सारे, रिकॉर्डिंग है, आपने देखे? मैंने नहीं देखा सर। ऐसे तो बहुत से, एक साथ 100 बच्चों को उनको कह दिया तुम घूम रहे हो पहाड़ों में, वो तो नजारे ले रहे हैं। पता नहीं सर क्या। अभी आपको डेमो करके दिखा देंगे, ये यहाँ बच्चे हैं, उनको करके दिखा देंगे। हाँ, हिप्नोटाइज करके आपको भी करेंगे, ठीक है, हो जाएगा सारा कुछ, सारी डाटा डिलीट कर देंगे, उससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, दो तरीके से डाटा डिलीट करेंगे।
एक तो हिप्नोटिज्म से भी करेंगे और एक समझ से भी करेंगे, दोनों तरीके से कर देंगे। तो समझ गए ना अब कि डेटा आपके अंदर है, उस डेटा ने बीमारी पैदा की है, बीमार किया गया है, मतलब गलत जानकारी। हाँ, गलत जानकारी ही बीमारी है, इतना याद रखना है। क्या है? गलत जानकारी बीमारी। हाँ, आज से पहले देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता नहीं था, हमारे बुजुर्ग तो किलो किलो घी खा जाते थे, कुछ नहीं होता सर, था। बिल्कुल आप, हाँ बिल्कुल, वास्तव मेरे साथ हुई सर ये, हाँ, ये चीज जब मैंने फोन पे ये चीजें सुनने लगा था ना कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है प्रॉब्लम, तो मेरा वास्तव में बीपी इतना तड़प, मेरे को तेल खाते ही और होगा ब्लास्ट, बस बस काम खराब, उस कचरे ने बीमार किया है। सही कहा, अगर वो ना सुना होता, मतलब ऐसी सब्जी खाने लग गया उस टाइम जब मेरे बीपी हाई हुए करता ना, तो मैं ऐसी सब्जी खाया करता बिल्कुल जैसे मतलब बिना तेल की, और कच्ची कच्ची वो घिया खानी पड़े करती। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा, और मैं उस टाइम मैंने ये सुना ही था बस, क्योंकि मैं जब तो फंस गए, प्रॉब्लम शुरू हुई ना, तो मैं फोन में देखने लग गया चीजों को, मैंने यार कुछ देखूं, कुछ कुछ तो मिले इसमें, बस वहीं से फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और फिर बस ये डाटा है ना कोलेस्ट्रॉल का, इन लोगों ने, हरामों ने, डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, हकीमों में इतना फैला दिया। अभी एकदम से मेरे याद है यार, मेरे जब ये चीज देखने लग गया था ना, उसके बाद ही मेरे को ऐसा लगा हार्ट में, मतलब बस बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये सारे गलत बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर पावर है, वो सब कुछ पचा जाता है। लोग तो पत्थर खा के पचा देते हैं, शरीर ने पचाना, शरीर ने है ना, अगर आपने अंदर डाटा है तो शरीर की पाचन शक्ति और वो गड़बड़ हो जाती है। एक बंदे का आपने देखा होगा जो मस्त रहता है, सब कुछ खा जाता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहता है। उसके अंदर अगर डाटा डाल दिया, गलती से बीज डाल दिया कि तू खा रहा है ये जहर है, इसे मर जाएगा, तो वो देखना कुछ ही दिनों में हो जाएगा काम। सर मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो खैर ना बिल्कुल ही ठीक है, और मतलब जो मतलब चाय वगैरह की भी खा रहे थे ना आप, वो आप कर दोगे शायद। हो गया, अरे मस्त रहो, सारा शरीर ने पचाना होता, शरीर सारा कुछ सेट कर देता है। लोग तो ऐसे बैठे हैं जो दही खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, मस्त रहते हैं, अगर उनके अंदर ये डाटा डाल दो कि दही खाने से ये होता है, दही खाने से भैया वो बीमारी, दही खाने से ये ब्लॉक, ये वो बंदा सच में मर जाएगा, सच में होने लग जाएगा। हाँ सच में होगा ना, क्योंकि डाटा बीमार कर रहा है, आपके शरीर में गड़बड़ नहीं है, यहाँ गड़बड़ है, समझ गए ना। तो आप कहते हो मेरे को शरीर में ये होता है, जब यहाँ गड़बड़ है तो वो शरीर तो गुलाम है। अब आप मन ने कहा भी ये हाथ ऐसे करो, तो मन ने कहा तो शरीर ने किया, शरीर तो गुलाम है ना मन का। तो ऐसे ही आपने डाटा डाल दिया कि भाई बीमारी होती है, तो अब शरीर को तो पैदा करनी पड़ेगी वो, अब इलाज क्या है, शरीर तो हुक्म मानेगा। सही बात है सर, शरीर के तो रहा नहीं जा सकता ना, क्योंकि अजीब अजीब तरीके की मतलब फीलिंग, अजीब तरीके की प्रॉब्लम, बीमारी मेरे को अलग अलग महसूस हुई करती, कभी कहीं की प्रॉब्लम, कभी बस वो डाटा होगा वैसे बीमारी आ जाएगी। अब मैं बताऊं, मैं 10-15 सालों से बीमार नहीं हुआ, कभी बीमारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने डाटा डिलीट कर दिए और मैं नया डाटा लेता नहीं। फोन के अंदर ये कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं है, 1-2 के अलावा साले जो घटिया लोग हैं सबको ब्लॉक कर रखा है मैंने ना, मैं किसी से बात करता, मैं फालतू लोगों से बात ही नहीं करता, जो मस्त रहते हैं उनके साथ रहता हूँ, बाकी लोगों से मैं फोन पे भी नहीं बात करता। डेटा बाज होता है ना, जो डेटा देता है ये हो जाएगा, वो दुनिया की ये खबर वो खबर, मैं उनको ब्लॉक रखता हूँ, क्योंकि वो वायरस है, वायरस डाल देंगे। अब देखो पेड़ कितना बड़ा होता है, उसको आंधी तूफान नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसके अंदर दीमक लग जाए तो तोड़ दे, वही तोड़ देगा उसको। हाँ, तो अंदर का वायरस छोटा सा है, वो कितना खतरनाक है, बाहर का तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाहर की बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन दिमाग में अगर वायरस आ गया तो। एक सर मैं पानी पीता हूँ तो मेरे को बाथरूम ज्यादा आता है, वो तो नेचुरल है, नेचुरल है। हाँ सबको आता है, सबको आता है, ठंड में ज्यादा बाथरूम आएगा। और ये वाशरूम क्या है कि आप पानी धीरे धीरे करके पियोगे, और वाशरूम एक बार एकदम से पीता हूँ। हाँ एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके, और रोक लोगे तो एक बार प्रेशर आएगा, वो रोक लिया तो कुछ देर के बाद वो प्रेशर आना बंद हो जाएगा, वो रिसाइकल हो जाएगा, फिर पीला आएगा। तो एकदम जो ज्यादा बाथरूम आता है वो सफेद आता है। सफेद आता है। हाँ कोई बात नहीं, वॉशरूम आना समस्या नहीं है, वो एकदम नेचुरल है, पानी ज्यादा पियो अपने आप प्योरीफाई हो जाएगा। ठंड में सबको ही आता है, जब आप काम करने लग जाओगे फिर वो पानी जब कम आता है, जब कम आएगा ना फिर वो शरीर की एक्टिविटी में पानी यूज हो जाएगा।
अब आपा कुछ कर नहीं रहे। कभी कभी तो मैं शाम तक पूरा दिन बाथरूम नहीं करता हूँ, शाम को जाकर करता हूँ, मेरे ध्यान से निकल जाता है बस। हाँ, फिर वो शरीर है ना ऑटोमेटिक वॉशरूम को पीने लग जाता है। लेकिन घर पर रहता हूँ ना या फिर मतलब बैठा रहता हूँ तो वो फिर एक्टिविटी बंद होगी तो वो फिर वापिस ही निकलेगा, पानी काम नहीं आ रहा ना तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है सर। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।